एडमिनिस्ट्रेशन को भी की जो नीति सोई है सरकार के लिए सोई एडमिनिस्ट्रेशन को ये बनाने के लिए जो आपके ऑर्डर्स जो आपके ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है ये हम पे ये ऑर्डर्स हम से ही होंगे हम इनको नहीं मानेंगे अब हम इस लड़ाई को और पूरा करेंगे और इस लड़ाई को लेके जाएंगे और केंद्र सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपने हिंदू के रैना जी से मिलकर आए जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जो फीडबैक एजी साहब से लिया था उनकी कमेटी ने वो फीडबैक उन्हें हमारे साथ शेयर किया। हम उस फीडबैक से सेटिस्फाइड है। देखो पॉलिटिकल पार्टी का एक डोमेन होता है काम करने का, उन्होंने वो कर्तव्य जो था वो निभाया है। उन्होंने हमें ये भी कहा, आश्वासन दिया है कि हम आपकी डिमांड जो है उसको विग्रसी प्रेस करेंगे और आपकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइड है, इस तरह हम आपको वहां धकेल नहीं सकते। ये हो गया एक पार्ट। आज जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय यहां पर पीछे मेरे एक जोरदार प्रदर्शन करना कर रहे हैं, आज 197 डेज हमारे प्रोटेस्ट को हो गए और हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो हमारी डिमांड है वो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आज हमारे सरकार के प्रति आक्रोश है, हमने 6 महीने संयम बरता है लेकिन सरकार टस से मत जो है वो नहीं हो रही है। 6 महीने से सरकार ने पीएम पैकेज एम्प्लॉय और उसकी फैमिलीज को सड़क पर खड़ा कर दिया, आपने हमारे इमोशंस और इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया, आपने 6 महीने हमारी प्राइमरी डिमांड को एड्रेस नहीं किया, आपने 6 महीने से हमारे जो सेकेंडरी इश्यूज है उनको इग्नोर किया। ऐसे क्या कंपल्शन सरकार के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उसने एक हार्ड स्टैंड और एक हार्ड अप्रोच है जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय के प्रति जो है वो इख्तियार किया है। आपको जब आज समय आया था पीएम पैकेज एम्प्लॉय और सरकार के बीच में दूरियां जो है वो घटाने का, आपकी पॉलिसीज के ये दूरियां जो है वो और जो है वो बढ़ गई है। हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, 12 साल हमने आपके साथ कॉपरेशन की है, मगर कॉपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय की जो सिक्योरिटी है उस पर आंखें बंद करेंगे। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी वीकनेस जो है उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि जो 5 किलिंग्स वर्किंग प्लेस पर हुई है उनको हम इग्नोर करना चाहते हैं। जिस तरह एम्प्लॉयज की किलिंग्स वर्किंग प्लेस पर हुई है उससे हम सारे एम्प्लॉयज फियर साइकोसिस में परेशान है। आज जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय वहाँ एक रिहैबिलिटेशन के अंदर जो इसको भेजा गया था जिसको हम नहीं मानते हैं, वो जो नैरेटिव था, वो जो एम्प्लॉय का प्रोसेस, वो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी थी वो डिबीट हो रही है। कि वो इसलिए डिबीट हो रही है क्योंकि आपने कभी एम्प्लॉय के दिल को नहीं जीता। मैं कह रहा हूँ कि उसने हमें आश्वासन दिया, वो हमारी आवाज़ आगे भी उड़ाएंगे। देखो वो 12 अक्टूबर को वो हमारे प्रोटेस्ट में आए, 18 अक्टूबर को उन्होंने कमेटी का गठन किया और 21 अक्टूबर को कमेटी ने हमें मौका दिया बात करने का। उसके बाद कमेटी कश्मीर भी गई और फिर उनकी अपनी एंगेजमेंट, हम संपर्क में हैं और हमें भरोसा है कि वो हमारी डिमांड जो है आगे जो अगर होम मिनिस्टर साहब तक या प्राइम मिनिस्टर वहाँ तक जो है वो प्रेस करेंगे।